अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एवलिन बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, जॉब से रेलिवेंट और वीजे से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का जो 2 मंथ का टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का, उसको पूरा करवा दीजिएगा इस तरह से कि चैनल को शेयर करके, ठीक है। तो मेरे चैनल को उन लोगों तक भी पहुंचा दें कि जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि अपने वीडियो का मैंने चैनल का थोड़ा सा थीम चेंज किया है कि मैं अब आपको दुबई के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स गाइड करूंगी। बहुत सारी गर्ल्स आके पूछती हैं कि क्या अगर हम अकेली आती हैं दुबई के अंदर, तो इस तरह का कंट्री है कि हम सेफ हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से बात करूंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ जाए और आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत मत पड़े, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें कि जी हमने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, तब मैं चेक करती हूँ। अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम में जो प्राइवेसी में मैसेजेस देते हैं वो नहीं देखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो जी हाँ, दुबई जो है वो एक सेफेस्ट कंट्री है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इस जो साल की सर्वे रिपोर्ट 2020-2021 और 3 साल से मुसलसल जो दुबई है, ठीक है, जीरो क्राइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जीरो क्राइम यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो सेफेस्ट कंट्री है स्पेशली गर्ल्स के हवाले से, ठीक है, कि गर्ल्स यहाँ पे आके सिक्योर रह सकती हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। आप यहाँ पे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि जी आप हमें बताएं कि हम दुबई में आके सेफ रह सकते हैं नहीं। बट मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैं बेहतर समझती हूँ कि यही इस वीडियो में आंसर कर दूँ कि मैं किस लिहाज से बोलती हूँ कि आप कभी भी अकेले जो है किसी भी कंट्रीज में मत जाएं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंट्रीज सेफ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रहने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत होती है। अगर आपको वहाँ फ़ौरन से जॉब नहीं मिलती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो है एक प्लान के साथ, जब तक कि आपकी सपोर्ट किसी भी कंट्री में नहीं होती है, तो आप इस तरह का स्टेप ना लें। स्पेशली मैं गर्ल्स को ये बात बोलती हूँ, ठीक है। या तो आप अपनी जॉब्स का प्रॉपर रिहाइश का एक सेटअप करके आएँ, ठीक है, और जो है देन आप मूव करें दुबई के अंदर। बट लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है। वो कहीं भी जाके पार्क के अंदर भी सो सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने पार्क के अंदर लोग रात को रातें गुजारते हुए देखे हैं, ठीक है, जिनके पास रेंट नहीं होता, पैसे ख़त्म हो गए हैं। बट ये है कि वो बॉयज़ हैं, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लड़कियों के, हमारी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप मत उठाएँ, ठीक है। आप दुबई की अगर बात की जाए तो आप किसी भी टाइम पे, अगर किसी भी टाइम पे बाहर जाते हो, ठीक है, तो आपको कोई सिक्योरिटी पर्पस नहीं। अगर आप अकेले भी रहते हो तो हर बिल्डिंग के बाहर, हर रोड पे कैमरे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई ऐसी बात होती है, ठीक है, फ़ौरन से जो है टोल फ्री नंबर है पुलिस का, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी में ऐसी पार्क्स वगैरह में देखती हूँ कि कुछ भी होता है कि फ़ौरन 1 सेकंड से पहले पुलिस जो है वहाँ आपके सर पे होती है। आई डोंट नो उनको कि कैसे पता चलता है, किस तरह से होता है, बट ये है कि फ़ौरन से पुलिस यहाँ की इतनी ज़्यादा अलर्ट है कि आपके सर के ऊपर मौजूद होती है। और उसके होते हुए, और अक्सर आप पार्कों में या कहीं भी ट्रैवलिंग प्लेस पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पुलिस नज़र आएगी, ठीक है। पुलिस वहाँ तक महदूद नहीं है, पुलिस की नज़र फुल आपके ऊपर होती है, और कहीं भी बाहर आते जाते आपका वीज़ा चेक किया जा सकता है। इसलिए अगर जो है आप विजिटर हैं या कुछ भी हैं, तो आप अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि बाहर जाते हुए सम टाइम्स यह है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं भी होती हैं, तो आप वीज़े का स्क्रीन कैप्चर करके अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि पुलिस आपका अगर कोई भी मशकूक आपकी हरकत उनको दिखाई देती है या कुछ भी देता है, ठीक है, तो वो आपसे आपका वीज़ा पूछ सकते हैं,
ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, कहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ की सेफ्टी के मामले में यहाँ की जो गवर्नमेंट है और पुलिस है बहुत ज़्यादा जो है केयर करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्ल्स आती हैं हर साल, डिफरेंट कंट्रीज की आती हैं, ठीक है, पार्टीशन में भी बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ रह रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी इस तरह का इशू होता है तो आप जो है पुलिस को फोन करके फौरन से ना फौरन से पुलिस पहुंचती है, ठीक है, और इस तरह के मामला नहीं है पाकिस्तान वाले कि आप पैसे ले दे ले के यहाँ पे, ऐसा कोई काम नहीं चलता, बल्कि इसके ऊपर आपको फौरन से या तो जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ इस तरह की हरकत आपने यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के कानून के मामले में यहाँ की गवर्नमेंट पुलिस हर बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है, जो एक आम बंदे के लिए कानून है वही एक किंग के लिए भी है, वो भी उस कानून को फॉलो करता है, बल्कि यहाँ के जो किंग्स हैं वो भेस बदल के यहाँ की जो है मुख्तलिफ विजिट करते हैं, पुलिस को जज करते हैं, ठीक है, कि पुलिस ने उनको रोका कि नहीं रोका, अक्सर इस तरह न्यूज़ में आता है इस तरह की चीज़ें, तो जब दोनों इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कानून हमारे लिए बनाए गए होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए होते हैं, यहाँ रोज़गार के सिलसिले में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, अगर किसी भी कंट्री में सेफ्टी नहीं होगी, ठीक है, क्राइम बहुत ज़्यादा होगा तो वो लोग वहाँ पर क्यों आएंगे, ठीक है, वहाँ पर ज़ाहिर अपने आप को सिक्योर फील करेंगे ही नहीं, स्पेशली मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हूँ, ठीक है, मैं घर के अंदर होती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे जो है एक सेफ्टी फील होती है, एक प्रोटेक्शन फील होती है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की पुलिस एनी टाइम जो है हम पे नज़र रखे हुए, कोई भी मामला होगा तो वो एक सेकेंड से पहले हमारे सर पे होती है, हालांकि यही यहाँ नहीं, अर्थक्वेक आता है या कोई भी इंकशाफ होता है तो आपके मोबाइल के ऊपर चंद सेकंड के अंदर अलर्ट आ जाता है कि जी अभी आप अपने घरों के अंदर रहें, ठीक है, बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तूफान है या कोई भी इस तरह का इशू हो गया तो आप इस रास्ते पे मत जाना, ठीक है, तो इस तरह के आपके मोबाइल्स के ऊपर मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी हिफाजत हो और हमें अपनी हिफाजत करवाने के लिए वहाँ के लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि हमारा कंट्री पे कोई इफेक्ट हो, ठीक है, या हमारी कंट्री की रेपुटेशन पे इफेक्ट हो, बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आके बहुत कुछ ऐसा करके हुए जाते हैं, ठीक है, जिसपे यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं जाता, वो तो वापस पलट जाते हैं, बट जो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके ऊपर अफेक्ट आता है, इसलिए आप जब भी आए, ठीक है, तो आप मेरी तरफ से 100% जो है सेव है कंट्री, कोई इस तरह का मसला नहीं है, स्पेशली ये मैं गर्ल्स को कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या करती हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट ये कि यहाँ की सेफ्टी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप इजीली आ सकती हैं बट सपोर्ट तलाश करके, ठीक है, अपनी प्रॉपर रिहाइश, अपनी एवरीथिंग, ठीक है, तो आपके लिए जो है दुबई जो है एक हो सकता है कि एक अच्छा कंट्री साबित हो, यहाँ से आप अपने घर के अपनी फैमिली के हालात चेंज कर लें, ठीक है, तो यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।